चलो इस साइड में, इस साइड में इस वक्त एग्जाम वाले बच्चे आ रहे हैं। लगता है कि 3 दिन तक तो बंद ही था कॉलेज में। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि घर बैठे तो बोर ही होते हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पाते, मगर अब कॉलेज खुल गए हैं तो मुझे लगता है अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आजकल एग्जाम्स भी हमारे चल रहे हैं तो मुझे लगता है हमारे लिए बेहतर है कहीं ना कहीं। घर में बैठने से पहले तो जैसे आपने देखा कोविड भी हुआ है, उस वक्त भी हम बहुत टाइम के लिए बंद थे। मुझे लगता है कॉलेज जाना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बच्चे पढ़ पाते हैं, वो फजूल टाइम ज़ाया नहीं कर पाते तो अच्छी बात है। ये जो मार्च सेशन हुआ उसके बारे में क्या बोल रहे हैं आप? मार्च सेशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स थे वो विंटर्स में मतलब पढ़ते थे अच्छे से, मगर जब मार्च सेशन हुआ उनको ज़्यादा प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। 50 दिन की छुट्टियों के बाद विंटर वेकेशन जो है ख़त्म हो गई और आज कॉलेजेस जो है वो ओपन हो गए, तो स्टूडेंट्स जो है आज आप देख रहे हैं कि बड़े उत्सव से आ रहे हैं, बड़े खुश है क्योंकि 50 दिन की छुट्टियों के बाद वो कॉलेज आ गए और कॉलेज में भी मौसम भी है वो बहुत ही अच्छा है आज और अच्छा लग रहा है कॉलेज आना, और स्टाफ भी है वो बहुत सवेरे आए थे और जहाँ तक अरेंजमेंट्स की बात है हर एक अरेंजमेंट किया हुआ है, हीटिंग अरेंजमेंट है, शायद आपने देखा भी होगा बुखारियाँ क्लासेस में लग रही है, कई क्लासेस में हमारे पास एसीज भी है, तो हर तरह से तैयारी है। एग्जामिनेशन जो है 3rd सेमेस्टर का चल रहा है, तो इससे पहले हमारा 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था और साथ साथ एक बैकलॉग स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम हो गया, तो एग्जामिनेशन जो है चूँकि अब जो सेमेस्टर सिस्टम है इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस है, एग्ज़ाम्स भी चलते हैं और यहाँ से पढ़ाई भी चल रही है और जो ही इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं नेक्स्ट डे इनकी क्लास वर्क स्टार्ट होती है।